लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की अवैध इमारतों में से एक अंबिका अपार्टमेंट में पानी बिजली कनेक्शन लेकर अवैध कब्जा जमाने के मामले ने जोर पकड़ लिया है। MIDC अधिकारी इस धांधली पर खुद का पल्ला झाड़कर उस पिरामिड इंफ्रा को जिम्मेदार बता रहे हैं जिसे अंबिका इमारत की जमीन हैंड ओवर की गई है, लेकिन पिरामिड ने इसे तोड़ने की बजाय लोगों को बसा दिया है। जाहिर है हाई कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। ताज्जुब इस बात का है कि कोर्ट द्वारा सील की गई इस बिल्डिंग को टोरेंट कंपनी ने बिना NOC लिए ही बिजली सप्लाई और NMMC ने पानी सप्लाई शुरू कर दी है, जो बड़ी धांधली का संकेत देता है। देखिए रिपोर्ट। दीघा की अंबिका बिल्डिंग अवैध कब्जे के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ स्थानीय नेताओं और भूमाफियाओं ने 70 फ्लैट वाली इस इमारत में सील तोड़कर कब्जा कर लिया है। इस धांधली पर MIDC अधिकारी कैमरे पर बोलने की बजाय खुद का पल्ला झाड़ते हुए पिरामिड इंफ्रा कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसे अंबिका की जमीन हैंडओवर की गई है। तो सवाल ये है कि क्या वह पिरामिड कंपनी ही है जो सील बिल्डिंग में लोगों को अवैध रूप से बसाने का खेल चला रही है? सवाल ये भी है कि जो बिल्डिंग कभी गरीब जनों के रहने से अवैध थी, वह पिरामिड कंपनी के कब्जे में आते ही वैध और रहने लायक कैसे हो गई? आखिर वो कौन से स्थानीय नेता और MIDC और मनपा के अधिकारी हैं जो अपनी काली कमाई की लालच में पिरामिड की इस धांधली को सपोर्ट कर रहे हैं और सब कुछ देख कर भी अनजान बने बैठे हैं? आखिर कोर्ट की अवमानना के लिए पिरामिड के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? इस सवाल पर पुलिस अधिकारी MIDC पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जब अधिकारी शिकायत करेंगे तब कार्रवाई हो जाएगी। आप भी सुन लीजिए। वो आप MIDC से पता करो, MIDC के कब्जे में हो अभी, कुछ नहीं है। पुलिस की कोई भूमिका उसमें नहीं है? नहीं, अभी जब MIDC वाले कुछ आना हो उनके कब्जे में, वो कुछ बोलेंगे तो देखेंगे। समझना जरूरी है कि 4 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद दीघा की अंबिका, मोरेश्वर, पांडुरंग, कमलाकर और भगत जी समेत कुल 9 इमारतों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ था, लेकिन MIDC ने सिर्फ पांडुरंग बिल्डिंग को तोड़ा और बाकी इमारतों को सिर्फ खाली कराकर सील कर दिया। MIDC के अभियंता शशिकांत गीते और पाटेकर 4 साल बाद भी पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। MIDC की इसी नियत के चलते दीघा की सील इमारतों पर कब्जा जमाने की साजिश चल रही है। इस मामले में बिजली कंपनी टोरंटो के अधिकारी भी पल्ला झाड़ रहे हैं। एक अधिकारी ने कैमरे के पीछे बताया कि अंबिका में बिजली कनेक्शन के लिए अर्जी आई थी, लेकिन MIDC की NOC नहीं मिली तो मना कर दिया। ऐसे में अब बात साफ हो गई है कि अंबिका में कहीं ना कहीं चोरी की लाइट और चोरी का पानी कनेक्शन लिया गया है। आखिर इस धांधली को समर्थन देने वाली बिजली कंपनी टोरंटो और पिरामिड बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मजाक बना रहे हैं? ऑन कैमरा नहीं दे सकती, यही बोलना चाहता हूँ। आपके पास अभी तक क्या जानकारी आई है? हमारे पास यही जानकारी है कि उन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट किया था न्यू कनेक्शन के लिए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, तो उसमें NOC MIDC का जो लगता है वो भी नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों की तरफ से ऑफिशियल उनको कोई भी कनेक्शन दिया गया नहीं है।
अब सवाल यह है कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर उन गरीबों को बेघर क्यों किया गया जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ की इमारतों में आसियाना खरीदा था। आखिर उन्हें उनके मकान में वापस क्यों नहीं भेज देना चाहिए? फिलहाल इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन टीवी वन इंडिया इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।